हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग ग्रेविटेशन में एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं और आज के टॉपिक का नाम है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। याद करिए पिछले लेक्चर में हमने मास एंड वेट के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि मास जो है ऑब्जेक्ट का, वो तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी लेकर चले जाइए उस ऑब्जेक्ट का मास हर जगह कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो वेरी करता है। यानी अगर आप अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वहां पर ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करते हैं और फिर आप वहां से उठाकर उस ऑब्जेक्ट को अगर मून पर लेकर चले जाते हैं, तब वहां पर अगर आप वेट को मेजर करेंगे तो मून पर ऑब्जेक्ट का वेट अलग होगा अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट के वेट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम लोगों का आज का टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। यानी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम मून पर लेकर चले जाते हैं तो वहां पर उसका वेट क्या होगा। और याद करिए वेट मैंने आपको बताया था कि जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे प्रेजेंट होता है तब अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा अर्थ पे। उसी तरीके से वो फोर्स जो कि मून एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो ऑब्जेक्ट का वेट होगा मून के ऊपर। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई अर्थ के ऊपर जब ऑब्जेक्ट है तब उसका कुछ वेट है, जब मून पर हम लेकर चले जाएंगे तो उसके वेट में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो कि मैं यहां पे कर रहा हूं वेट ऑन मून, वेट ऑन मून। ठीक है, और एक है आपका वेट ऑन अर्थ। जरा समझिएगा मून के ऊपर वेट क्या होता है। बच्चों हम कह रहे हैं कि वो फोर्स जो कि मून एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा, कौन सा फोर्स, वो फोर्स जो कि मून एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, फोर्स ड्यू टू मून। और यही फोर्स जो है वेट के बराबर होगा। यानी ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर जो वेट होगा वो कौन सा क्या होगा, वो फोर्स के बराबर होगा। कौन से फोर्स के बराबर, जो फोर्स मून उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा। तो फोर्स का ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला तो हम लोगों के पास है ना, क्या होगा जी इंटू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है यहां पर दोनों मासेस क्या, एक मास तो जो फोर्स लगा रहा है यानी मून, दूसरा वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मास लग रहा है। तो मास ऑफ मून को मैं एम एम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ऑब्जेक्ट के मास को स्मॉल एम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय मून के सेंटर और उस ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की दूरी। देखिए समझिएगा, अगर ये मून है, ये मून का सेंटर है और अगर ऑब्जेक्ट मून के सरफेस पर यहां प्रेजेंट है तो ऑब्जेक्ट और मून के सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, जो मून का रेडियस है उसके बराबर। तो इसीलिए डिस्टेंस हम लोग रेडियस ऑफ मून लेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें कितना लिख रहा हूं, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ऑलराइट, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट के वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, वो फोर्स जिससे अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यही तो हो जाएगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ये क्या हो जाएगा, जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट का मास मून पर भी वही था और अर्थ पे भी वही है, अपॉन, अच्छा अर्थ के सेंटर और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की दूरी अर्थ के रेडियस के बराबर, तो आर ई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इसे कह दूं इक्वेशन नंबर वन और इसे मैं कह दूं इक्वेशन नंबर टू, और इक्वेशन वन और टू अगर मैं डिवाइड करूं, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय इक्वेशन, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। राइट बच्चों, और लेफ्ट राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा जी इंटू मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये एम और एम कट गया बच्चों, ये जी और जी भी कट जाएगा। अब देखिए यहां पर वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ हमारा कितना आता है,
ये हमारा आ जाएगा देखिए mm मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, राइट बच्चों, इनटू देखिए डिनोमिनेटर में है रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आपको पुट करना है, इन वैल्यूज को अगर आप पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तब आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यू मस्ट नो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ, ये सब वैल्यूज जो है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो जरा देखते हैं मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून, इन सब की वैल्यूज जो है बच्चों वो क्या होनी चाहिए इसको जरा देखते हैं। तो मास ऑफ मून जो है वो आपका होता है 7.36 इंटू 10^22 kg और अर्थ का जो मास है वो आपका कितना होता है 6.37 इंटू 10^24 kg, क्लियर बच्चों। 6.37 इट इज 5.98, ठीक है, इट इज 5.98 नॉट 6.37, इट इज 5.98। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.37 इंटू 10^6 मीटर और जो मून का रेडियस है बच्चों वो होता है 1.74 इंटू 10^6 मीटर, 1.74 इंटू 10^6 मीटर। ये सारे वैल्यूज मैंने आपके एनसीईआरटी के बुक से देख के लिखे हैं, वहां पर है गिवन, ठीक है। तो अगर आप इन सारे वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई, ये हो जाएगा बच्चों मास ऑफ मून की जगह क्या रखेंगे 7.36 इंटू 10^22 डिवाइडेड बाय 5.98 इंटू 10^24 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10^6 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.74 इंटू 10^6 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1/6, लगभग ये आपको 1/6 के बराबर मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल्स टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अगर मैं इस तरफ ले आऊं अपॉन 6। ये इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का जो वेट अर्थ के ऊपर होगा उसको आप 6 से डिवाइड करेंगे तब उसका वेट मून के ऊपर जो है निकल कर आएगा, यानी मून पर जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो अर्थ पर उसके वेट से 6 टाइम्स कम हो जाता है, यानी कि 1/6 टाइम्स होता है, 1/6 होता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक दो छोटे छोटे सवाल जो है इस पे बेस हम लोग करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लें आप। ठीक है बच्चों, एक सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, और इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस वेट्स से रिगार्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, एक ऑब्जेक्ट का मास कितना देगा बच्चों 10 kg के बराबर, यानी आपको गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 10 kg होगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है 10 kg। व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ एंड ऑन मून, बच्चों एक बार बताइए ये जो मास है ऑब्जेक्ट का, ये हम अर्थ पर इसको रखेंगे और जब हम इसको मून पर रखेंगे तो क्या दोनों केस में मास सेम होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए। आई होप आप इस बात को समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो चेंज नहीं होता है, चाहे आप उसे अर्थ पे रखें, मून पे रखें या कहीं और रखें, तो मास तो 10 केजी ही रहेगा। आपसे क्या कह रहा है व्हाट विल बी इट्स वेट, यानी आपको फाइंड क्या करना है, तो एक तो आपको फाइंड करना है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है, और दूसरा आपको फाइंड करना है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है। देखिए अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट का वेट है उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ये आपने लिखा है जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर
इनटू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है बच्चों जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू, ये स्मॉल एम को एज इट इज लिखिए और याद करिए जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अर्थ के सर्फेस पे, यानी कि वेट ऑफ एन अर्थ जो है बच्चों वो आपका एम जी के बराबर होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट आपसे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ का है, उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों एम जी। ऑलराइट, अच्छा एम की वैल्यू कितनी है, एम आपको गिवन है 10। अच्छा अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, राइट? तो ये कितना हो जाएगा आपका 98 न्यूटन। कितना वेट होगा अर्थ के ऊपर, 98 न्यूटन के बराबर होगा, राइट? अच्छा दूसरा आपसे पूछ रहा है बच्चों कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। देखिए आप जानते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून होता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अपॉन 6, अभी हमने डिराइव किया है ना। अच्छा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ की जगह आप mg लिख सकते हैं, तो m इनटू g अपॉन 6। एक देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आने वाला है, m तो बच्चों एज इट इज रहेगा, मास तो चेंज होगा नहीं, यानी कि m इनटू g अपॉन 6 हो जाएगा, राइट? यानी आप देख सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और मून के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी अपॉन 6। यानी समझिए इस बात को बच्चों कि मून पर जब आप जाते हैं तब मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 हो जाता है अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक कंपैरिजन में, और यही वो कारण है जिस वजह से मून पर एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पर वेट के कंपैरिजन में 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, खैर इसको आप इस वाले फॉर्मूले में लगाइए, mg जो है वो आपका आया है 98 न्यूटन। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है बच्चों, आपको 6 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा ये 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 कैरी बचा 3 यानी 38, 6 6 36 कैरी बचा 2, डेसिमल लेंगे तो 20। ठीक है, फिर 3 टाइम्स दिस मच न्यूटन विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मून पर जो वेट है वो अर्थ के वेट से को 6 से डिवाइड करना होता है, अर्थ पर वेट mg है तो mg अपॉन 6, m तो कांस्टेंट है तो m एज इट इज लिख दिया, g को 6 से डिवाइड किया, यानी मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बाई 6 हो जाता है। तो मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना हो जाएगा, 9.8 अपॉन 6 जो कि होगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ख्याल आपने तो दिमाग लगाना नहीं अभी, लेकिन अगर आप ये जानेंगे तो ये अच्छा इंटरेस्ट बना रहेगा आपका और 11th में तो पढ़ना ही है आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एक सवाल और कराता हूं। चलिए बच्चों एक छोटा सवाल है, आसान सवाल है, आप खुद पहले ट्राई करिए इसको। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो 10 न्यूटन, यानी आपको क्या गिवन है बच्चों, गिवन है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। आपसे क्या फाइंड करने को कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी कि वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून आपको निकालने को कह रहा है। एक बार जरा फॉर्मूला लगाकर आंसर फाइंड करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके। कर लिया बच्चों, आसान सवाल है, फॉर्मूला क्या यूज किया यहां पर आपने, एक ही तो फॉर्मूला है वेट का, यहां पर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अपॉन 6, राइट? तो देखिए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना दे रखा है, 10 न्यूटन, और इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 1 6 कैरी बचा 4, ले लिया डेसिमल, 6 6 36 फिर कैरी बचा 4, तो 1.666 ऐसे चलता चलेगा न्यूटन, यानी कि आप कह सकते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1.67 न्यूटन, है ना बच्चों? ठीक है, अच्छा इसी का ख्याल रखिएगा, जब मून का वेट निकालना है तो अर्थ के वेट को 6 से डिवाइड करेंगे, और अगर अर्थ का वेट, अर्थ पर अगर ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है
तो मून के वेट्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मून पर जो ऑब्जेक्ट का वेट है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो आएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। तो चलिए, ये हमारा ग्रेविटेशन का एक हिस्सा जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, जहां हम लोग फोर्सेस वगैरह की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स, आगे भी यही करेंगे, लेकिन एक नया टॉपिक अब स्टार्ट होगा। नया टॉपिक इन द सेंस कि एक नया पार्ट स्टार्ट होगा ग्रेविटेशन में, वो है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप यहां तक पढ़िएगा, क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, अपने एंड से थोड़ा अच्छे से कवर कर लीजिएगा इस टॉपिक को। ये 50% मान के चलिए कि आपका ये चैप्टर कवर हो गया है, ये अच्छे से आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, इसको नोट कर लीजिए और प्लीज पढ़ाई जरूर करिएगा। यहां तक एक बार चैप्टर को शुरुआत से अच्छे से कवर कर लीजिए न्यूमेरिकल्स के साथ। बाय।